तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। मजेदार मजेदार बातें हम लोग करने वाले हैं। चलिए, आपको पता है कि कुल मिला के चार सेक्शन में प्रश्न पूछे आ रहे हैं। सेक्शन के प्रश्न एक साथ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूरा डिटेल से भी बताएंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ज्ञान पे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आता है कि 2002 में भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो देखिए, 2002 में सियाचिन संशोधन हुआ था। अब इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताते समझिएगा। ये 86वां संशोधन जो है वो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से। अब एक क्वेश्चन आपको यहां पर पता चला कि अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगले दिन हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 21A है क्या। तो 21 जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, यही अनुच्छेद 21A में कहा गया है। और यही 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था। तो 2002 का उन्होंने करके पूछा था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए, सेंटर पे हम लोग जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो वहां पे क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं देते हैं, वो मतलब भागने लगते हैं। कैसे लगता है, क्या आगे बम आगे लग रहा है क्या यहाँ पे, तो रिप्लाई ही नहीं देते, भागने लगते हैं। कुछ ऐसे दो चार बच्चे होते हैं जो चाहते हैं एक्चुअली में कि क्वेश्चन को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात किया। उसकी वीडियो भी जल्दी लेकर आने वाला है क्योंकि सेंटर पे जाना एक दिन ऐसे पूरा कंप्लीट, क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूँ सेंटर पे। ठीक है, मैं भेजता ही हूँ लोगों को, अब मैं खुद जा रहा हूँ, तो उसकी वीडियो कंप्लीट आपको तब मिलेगी जब कंपाइल एकदम हो जाए, जब मुझे लगे कि हाँ हम लोग वीडियो बनाने लायक हो गए सेंटर पे, तो आपको वहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो पे खाली आप लोग व्यू लेके आए दोस्तों, जैसे जितना हो सके उतना पहुंचाइए, पूरा 100% कंप्लीट ऐसे हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है 2018 में, तो केरल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2018 राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस देश में हुए थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो ये कहाँ हुआ था? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा क्वेश्चन था कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल, देखिए सुबह जो है मैंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो ऐड करी थी, क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन की मैंने एक वीडियो डाली थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आपको लास्ट वीडियो लास्ट में आप जाओगे तो भी आपको वहां से वो लिंक मिल जाएगा, तो वो लिंक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किससे संबंधित है? शास्त्रीय गायक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे, जरूर इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए, संस्थापक के बारे में आज पहली बार प्रश्न आया था, अभी तक संस्थापक के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। लोधी वंश के संस्थापक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या आंसर सही होगा? बहलोल लोधी। क्या आंसर सही है यहाँ पे बच्चों? बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की सभी अनुसूचियां जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने 12 का 12 अनुसूची आपको बताया कैसे हम लोग याद करेंगे, उसमें से 8वीं अनुसूची के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे बड़ा काम आपका ये कि संविधान की जितनी भी अनुसूची है उसको याद कर लीजिए। मैं कल सुबह एक वीडियो इस पर डालने वाला हूँ संविधान की अनुसूचियों पर, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी आप सभी के लिए। ठीक है, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। बिल्कुल मुझे रोना आ जाता है, मतलब मैं परसों मेरे आंख में एकदम आंसू आ गए थे, मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहा है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के साथ में जुड़ गया हूँ, और अब अगर आप व्यूज नहीं दोगे तो हम लोग का बहुत ज्यादा मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बस यही आप समझ लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पे आपके लिए साथ में काम कर रहा हूँ, आप उस पर नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मतलब बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, मैथ जितनी मैंने आज तक पढ़ी मैंने सब पढ़ा दिया, आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कि कितने बेहतरीन मैथ मैंने आपको वहां पे कराया हुआ है। गोल गुंबज कौन से शहर में, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बीजागर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में बीजापुर में। 2011 के देखिए जनगणना से आज दो प्रश्न पूछे गए थे, पहले सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो जनगणना से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और आसान क्वेश्चन थे। तो आपका दो तीन काम जो मैं बता दूं उसको समझ दीजिए कि जो आगे आने शिफ्ट किया, क्योंकि वीडियो जो आगे आने शिफ्ट वाले बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो जनसंख्या से यानी जनगणना से आपको दो प्रश्न आ रहे, तो जनगणना पूरा पूरा देख लीजिए। कौन से खिलाड़ी या कौन से व्यक्ति जो है फेमस है, वो किस चीज से संबंधित है वो देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अनुसूची की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला, वो देख लीजिएगा। तीनों चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था अगला वाला जनगणना का, वो ये पूछा गया 2000 की जनगणना जो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो सिक्किम वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नागार्जुन बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो बांध से आज नया क्वेश्चन आ गया था, ये किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा सकता कि ये कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। दोनों ही चीजों को समझ लीजिए कि ये किस नदी पर स्थित है, तो आप कहोगे सर कृष्णा नदी पर स्थित है, या मैं पूछूंगा तो किस बांध मतलब कहाँ है किस राज्य में, तो हैदराबाद में है। देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन आया था, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हलवा क्वेश्चन था। बहुत सारे जो पहले बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो उन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, वो तो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसने कहा था 12 रुपए है,
तो 15 वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना होगा? अगर एक का 12 है तो 15 कितना होगा? 12 × 15 हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे करना नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 180 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो इतना इजी आ रहा सारी चीजें कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। SI और CI से एक एक प्रश्न जरूर आ रहा है, दोनों बहुत सिंपल। अगर SI का प्रश्न आ गया तो सीधे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, SI = PRT/100, और आपको कुछ नहीं याद रखना। परसेंटेज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, 4 क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने परसेंटेज ऑलरेडी कवर करा दी। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। SI CI का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन आए थे जो परसेंटेज पे डिपेंड थे, मतलब कि वहां पर जनसंख्या वगैरह दी थी। आपको रेशियो का 2 क्वेश्चन आया गया था, रेशियो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए मैं हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे मिल रहे थे लेकिन टाइपिंग नहीं जल्दी हो पाया क्योंकि मैं तुरंत अभी भागे वगैरह आपको मेरे साथ तो फूली फूली लगे, मेरे पास तुरंत PPT मुझे तैयार मिला और मैंने तुरंत आप बोलना शुरू कर दिया। अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे कि नहीं लगे, और जितना हो सके इसको उतना पहुंचाइएगा। आवरण का विलोम आपसे पूछा गया था तो क्या होता है, ये अनावरण होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, देखिए मैं इतने सारे पर्यायवाची आपके लिए खोज के लिखवा दिया हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप जो आपके एग्जाम में मिल रहा हो वही आप आंसर लगा देना। सभी के सभी जो है वो क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची है, सभी के सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है, सभी को चंद्रमा का ही पर्यायवाची कहा जाता है, कुछ भी आपको वहां से मिल जाएगा। एवरेज से आपके 2 प्रश्न आ रहे थे, औसत से 2 प्रश्न आ रहे थे, ये भी मैंने कवर करा दिया। अगर आप देख लोगे तो कोई क्वेश्चन आपको वहां से छूटेगा नहीं। कथन और निष्कर्ष आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछेगा, और हिंदी तो बहुत ही आसान आ रही है, हिंदी में तो कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। इसके अलावा अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट बनवाई हुई है, 149 की प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 119 से मिल जाएगी। तो अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदी तो तुरंत जाकर खरीदिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से तुरंत खरीदिए और बहुत ज्यादा आपको वहां से बेनिफिट होने वाला। वीडियोज अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, दोस्तों के पास इतना हो सके उतना पहुंचाइए, जितने भी बच्चों का पेपर है वहां पर जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गांधीवादी युग के समय से गांधी ने रहा से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन जितने मूवमेंट हुए थे, गांधी जी ने जितने मूवमेंट किए थे उन सभी को आप देख लीजिए। एक भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन था ये तो क्लियर नहीं था, लेकिन हमने वहां से जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम सारे आपको बता दे रहे हैं, आपसे बात कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1992 को आरंभ किया गया था, स्टार्ट कब हुआ था 8 अगस्त 1992 को, ठीक है। यह आंदोलन जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त, ब्रितानी राज्य यानी ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना था। इसका लक्ष्य क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, ब्रिटिश राज्य का को समाप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेजों भारत छोड़कर चले जाओ, ठीक है। और महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, कब नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आने वाले शिफ्ट में, आपसे पूछा जाएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे इन्होंने दिया था। देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में मतलब निर्णय लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन करने का, तो ये मुंबई अधिवेशन में, ठीक है, इसका निर्णय लिया गया मुंबई अधिवेशन में। देखिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए पूछा गया था तिरंगा झंडा यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा झंडा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने, श्री पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगा झंडा का अपने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देखिए अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो भाषा की कौन सी अनुसूची है, भाषा कौन सी अनुसूची में है, तो भाषा है आपकी 8वीं अनुसूची में। देखिए अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो हम आपसे अनुसूची से रिलेटेड और भी बात अभी वीडियो के लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, तो सारे अनुसूची हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। एक बार शुरू से अंत तक पहली अनुसूची से लेकर के जितनी भी अनुसूची है सारी अनुसूची हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा गया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। देखिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। देखिए अब ये पूछा गया तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 76 में आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है,
अनाई मुडी। देखिए तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के अगर जाएंगे तो आने वाले अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर वीडियो चलता नहीं है, व्यू नहीं आते हैं तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हताश हो जाते हैं। वीडियो हम लोग को बनाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आते रहते हैं, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बनाइए, हमारा पेपर आने वाला है, इसलिए हम लोग वीडियो को बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे वीडियो बनाने का। ठीक है, देखिए बिहू डांस फॉर्म कहाँ का है, एक बच्चे ने ये भेजा हुआ था क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, तो आपको नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका पेपर जैसे ही खत्म होता है आप तुरंत ही अपने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो, जितने भी प्रश्न आपको याद हो, आप तुरंत व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया कीजिए, जिससे कि हम बाकी जितने भी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं उनकी मदद कर सके। देखिए बिहू डांस फॉर्म कहाँ का है, तो असम का। देखिए हमने आपसे दो तीन दिन से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिहू ये सारे डांस फॉर्म आप देख लीजिए कि ये डांस फॉर्म कहाँ के हैं, कौन से प्रदेश का डांस फॉर्म कहाँ कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, देखिए एक हिंदी की अगर हम बात करें तो पथ का समानार्थी आया हुआ था, तो पथ का समानार्थी आया था, तो पथ का समानार्थी क्या होता है, रास्ता। बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, पथ का समानार्थी रास्ता। देखिए सरोज का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ऑप्शन में तो एक बच्चे ने बताया कि अरविंद था, तो उसने अरविंद लगाया हुआ था हालांकि, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरोज के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो देखिए सरोज, कंज, राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरीक, कमल, पद्म, पंकज, नीरज, ये सारे होते हैं सरोज के पर्यायवाची। सरोज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछ लेगा, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होता है, ऐसे कोई भी वर्ड आपको उठा लेगा और पूछ लेगा कि इसका पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक देखना है, तो इन्हीं में से कोई दो एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक शब्द इसमें क्वेश्चन बन जाएगा और दूसरा आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए कुटिल शब्द का विलोम, तो कुटिल शब्द का कुटिल यानी कि उसके बाद सरल उसका हो जाएगा। ठीक है, कुटिल का कठिन तो सरल उसका विलोम हो जाएगा। संपन्न व्यक्ति, और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आया हुआ था, संपन्न व्यक्ति की गाथा नहीं जान सकता। अब वहाँ पे क्या था वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर लगेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपसे, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा वहाँ पे, मतलब आप जान लीजिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। देखिए केतु का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो केतु का मतलब होता है झंडा। ठीक, तो झंडा होता है केतु का पर्यायवाची। आपसे झंडा का पर्यायवाची पूछा गया था, मतलब केतु का पर्यायवाची पूछा गया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, झंडा। देखिए निशान, झंडा, पताका, ध्वज, ये केतु के पर्यायवाची होते हैं। आपसे ये पूछ सकता है पताका का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में केतु दे देगा। निशान का पर्यायवाची क्या होगा, आपको ऑप्शन में पताका दे देगा। तो ये अगर आप इन चीज़ों को देखे रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए आकर्षण का विलोम पूछा हुआ था, तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। समुद्र का पर्यायवाची पूछा था, तो बच्चों को ऑप्शन नहीं आता था, जिन भी बच्चों से बात हो पाई है वो उन बच्चों को ऑप्शन नहीं आता था। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, पयोधि, उदधि, परावर, नदीस, जलधि। देखिए जलधि ये एक समुद्र का पर्यायवाची है, एक जलज होता है, वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, तो बिल्कुल आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे अनिल और अनल वाली बात है, वैसे जलधि और जलज वाली बात है। ठीक, वारिधि, ये सारे जो होते हैं आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नीरनिधि, अड़व, जलधाम, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। इतने सारे मैंने समुद्र के पर्यायवाची आपको बता दिया है ताकि अगर आगे समुद्र से रिलेटेड कोई भी पर्यायवाची आपसे पूछे तो आप बिल्कुल भी तुरंत बिना टाइम गवाए हुए उसको सही आंसर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जैसे कि अब आगे देखते हैं गृहित का विलोम क्या होगा, तो गृहित का विलोम आपसे पूछा है, तो अर्पित होगा और त्यक्त होगा, अर्पित और त्यक्त होगा गृहित का विलोम। ठीक है, गृहित का विलोम होगा अर्पित और त्यक्त। देखिए स्थावर का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो स्थावर का पर्यायवाची पूछा है, स्थावर का पर्यायवाची होता है जड़त्व।
ठीक, तो देखिए बिल्कुल मतलब कितने आसान आसान से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि सर 25 out of 25 मैं सही करके आया हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर 25 में से 25 मैं सही करके आया हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन के ज़्यादा इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बच्चे सब जो मिल रहे हैं वही सब बोल रहे हैं कि सर मैंने हिंदी किया है, सारे हिंदी के ही बच्चे मिल रहे हैं, तो इंग्लिश इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1526 में बाबर ने किसे हराया था, ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछा गया था। देखिए मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, सल्तनत काल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1526 में बाबर ने किसे हराया था, 1526 में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। देखिए बाबर जितने युद्ध लड़ा हुआ था उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर लड़ा हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को हराया था और बाकी वो जीत गया था। बाबर ने चार युद्ध भारत में लड़े हुए थे, चारों को जीत गया था। देखिए अगला युद्ध लड़ा था खानवा 1527 ईस्वी में, राणा सांगा को हराया था। अगला युद्ध उसने लड़ा था चंदेरी का युद्ध, ये 1528 ईस्वी में लड़ा था। ये राजपूतों से युद्ध था लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता थे मेदिनी राय। ठीक, देखिए अगला जो चौथा और अंतिम युद्ध जो बाबर का था वो लड़ा हुआ था बाबर ने 1529 ईस्वी में, बंगाल के शासक नुसरत शाह, नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी, अफगान थे ये। ठीक है, तो अफगानों को बुरी तरह से हराया हुआ था यहाँ पे घाघरा के युद्ध में बाबर ने। देखिए घास के मैदान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बार एक प्रश्न और पूछा गया था किसी शिफ्ट में और आज भी पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में पंपास था, तो पंपास आपका सही आंसर होगा। देखिए बाकी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे घास के मैदान को, कौन से घास के मैदान को क्या, कहाँ पे पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप एक बार इन चीज़ों को देख लीजिएगा, अगर आपका पेपर आने वाला है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ से। देखिए प्रेरी तो उत्तरी अमेरिका में है, लानोज अमेजन नदी के उत्तरी किनारे पे है। देखिए कंपास कहाँ पे पाया जाता है, पंपास और कंपास ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, राइमिंग वर्ड हैं, तो इस पर आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक, अमेजन नदी के दक्षिणी भाग पे। देखिए लानोज पाया जाता है उत्तरी भाग पे और कंपास पाया जाता है दक्षिणी भाग में यानी ब्राज़ील में। ठीक, कटिंगा पाया जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन में, कटिंगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन में, जैसे आप इसको कर सकते हैं कटिंगा कटिबंधीय। ठीक, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। देखिए सबका अपना याद करने का तरीका होता है, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। पार्कलैंड अफ्रीका में, पंपास दक्षिण अफ्रीका में भी मैंने बात की, अर्जेंटीना के मैदानी भागों में भी पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, मरे डर्लिंग बेसिन में, स्टेपीज पाया जाता है यूरेशिया में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था हिस्ट्री से, सिजदा और पैवोस प्रथा किसने शुरू की थी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा सल्तनत काल और मुगल वंश इन सारी जगहों से आपसे यानी मेडिवल हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाना स्टार्ट हो गया, गांधी नेरा मेडिवल हिस्ट्री यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो मैंने आपसे इतने से मैं हर मतलब हर दूसरे शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समानता का अधिकार आर्टिकल आप देख लीजिए 12 से 35 तक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 तक अनुच्छेद आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए उसको, आप कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, आपका हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए अगर कहीं पे पंचायत पंचायत का चुनाव किसी भी राज्य में चल रहा है और सेंट्रल का कोई एग्जाम हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को आप देख लिया करिए, पंचायती राज वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था भारत का सबसे पहले यूनेस्को में शामिल होने वाला शहर कौन सा है, तो अजंता की गुफाएँ सबसे पहले यूनेस्को में शामिल की गई थी 1983 में। ठीक है, तो और भारत के कुल कितने जो हैं मतलब कितने विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो 37। ठीक है, एक मैथ की बात करें तो मैथ में क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया हुआ है,
1260 की किसी वस्तु पर 30% की छूट देने पर 15% लाभ के लिए उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन इसी प्रकार से लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग ऐसे ही सब है। अगर मैथ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैथ्स के सारे लेसन पड़े हुए हैं, रोज डेली वहाँ पर मैथ के लेसन अपलोड हो रहे हैं। आप चैनल पर भी, चैनल पर लगभग सारे लेसन कंप्लीट करा दिए गए, यूट्यूब चैनल MD क्लासेस पर सारे लेसन अब कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था ये साझेदारी से रिलेटेड। ए 24,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाता है, बी 20,000 रुपये 10 महीने के लिए लगाता है, और प्रॉफिट टोटल होता है 25,810 रुपये। तो ए का हिस्सा पूछ रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है, रेशियो के माध्यम से। एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि घनाव था, घनाव का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, और उस घनाभ से काट कर कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ था, और वहाँ पे साइडोइड वगैरह भी दी हुई थी। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे था, साधारण ब्याज से मूलधन दिया था, समय दिया था, और कुल राशि दिया था, तो आपसे पूछ रहा था कि इसका मतलब ब्याज की दर आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो एक कुल PRT/100, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले पर रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आयत की लंबाई चौड़ाई, लंबाई और विकर्ण दिया हुआ था, आपसे चौड़ाई पूछ रहा था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाए तो विकर्ण कितना होगा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप जानते हैं विकर्ण वर्ग, वर्ग के भुजा का क्या होता है, अगर ए वर्ग की भुजा होती है तो विकर्ण होता है √2। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हमारा हमारा हौसला भी बुलंद रहेगा, हम आगे वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जा रहा है जिसमें कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ में प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि कभी 1 पूछा जा रहा है किसी शिफ्ट में, किसी में 2 पूछा जा रहा है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ऐसे ही सब आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है। कुछ आपको करना नहीं है ज़्यादा मेंसुरेशन में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, विकर्ण दिया हुआ था, दोनों विकर्ण दिया हुआ था समांतर चतुर्भुज का, और क्षेत्रफल आपसे पूछा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, GK GS में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, रोज़ वहाँ पे अनअकैडमी पे अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि व्यू हो, हमारा भी उत्साह बना रहे आपके साथ, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप कमेंट में बस कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको चाहिए क्या, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लास्ट में बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार। रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40-50% पोर्शंस को कवर करते हैं, और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिस का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद SSC CL के मैथ सेक्शन में 50/50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ सत्यम गुप्ता, और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ।